Dear students, again welcome to video lecture series on surveying. Now today we are going for lecture number 2, that is procedure for plane table survey. In previous lecture we have seen that there are different instruments for the plane table survey. तो हमने देखा कि भाई एक ड्राइंग बोर्ड वो स्टैंड के ऊपर लगाना है हमको, उसके ऊपर हमको ड्राइंग शीट लगाना है, फिर ड्राइंग शीट के ऊपर हमको एलिडेट रखना है साइटिंग करने के लिए, और उसके बाद में आपको स्प्रिट लेवल का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद में आपको थ्रू कंपास का इस्तेमाल करना है और आपको यू फोर्क का भी इस्तेमाल करना है, और फिर आपको अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो लगेगा आपको टेप और रेंजिंग रॉड, देन कैलकुलेटर, सेट स्क्वायर, स्केल, पेंसिल पेन और इरेजर, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको एक खास टाचनी लगेगी, क्योंकि एक छोटा सा काम है लेकिन सेंटर पॉइंट या स्टेशन पॉइंट मार्क करने के लिए आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक टाचनी को खड़ा करना पड़ता है, ऐसा खड़े कर टोच के उसके अंदर. सो यू विल ऑल्सो रिक्वायर द पिन ऑल्सो. सो ऑल दीज एक्सेसरीज, तो ये एक बॉक्स के अंदर आती है अलग सभी एक्सेसरीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये बॉक्स के अंदर आपको प्लम बॉब यहाँ पे रखा है, यू फोर्क रखा है, स्प्रिट लेवल रखी है, थ्रू कंपास रखा है और स्केल रखी है. सो ऑल दैट इज कम्स अंडर द बॉक्स, ये बॉक्स से आपको इस्तेमाल करना है. और उसके अलावा आपके पास में एक ड्राइंग बोर्ड और उसके पास ऊपर में और उसका स्टैंड, ये दो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी. सो हाउ वी विल कैरी आउट द प्लेन टेबल सर्वे, ये हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हमारे पास में प्लेन टेबल सर्वे के अंदर जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हम लोग देखने वाले हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप इज सेंटरिंग, सेकंड स्टेप इज लेवलिंग, देन थर्ड स्टेप इज ओरिएंटेशन एंड फोर्थ स्टेप इज रीसेक्शन. तो ये चार अलग अलग स्टेप्स है हमारे यहाँ पे. सो हियर वन बाय वन वी विल सी दैट हाउ दिस कैन बी कैरिड आउट. तो सबसे पहला तो प्रोसीजर है हमारा सेंटरिंग का. सेंटरिंग के अंदर आपको क्या करना है कि मार्किंग ऑन द ग्राउंड. तो इसका एक्चुअल प्रोसीजर कैसा स्टार्ट करते हैं हम लोग, सो यू कैन सी हियर दैट. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ऐसा और ये ऐसा मेरा एक खेत है. सो ये खेत का जो शेप है ये मुझे गिनना है, समझ लो ये टॉप व्यू में मैं बना रहा हूँ. तो मैं यहाँ पर जाके ये खेत के अंदर मुझे बीच में यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा ड्राइंग बोर्ड मैं लगा दूंगा ऐसा स्टैंड के ऊपर. तो ये मेरा एक ड्राइंग बोर्ड हो गया, ये ड्राइंग शीट लगा दिया मैंने इसके ऊपर. अब आपको इसके ऊपर एक बीच में एक पिन टोचनी पड़ेगी, टाचनी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये जो खेत का शेप है वो आपको यहाँ पे बनाना है इसके अंदर, ये ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है. तो आपको यहाँ पे एक पिन टोचनी पड़ेगी और ये जो पिन है ये पिन आपने यहाँ पे टोच दिए तो वो पिन को फिर आपको ग्राउंड पे मार्क करना पड़ेगा जमीन पे. तो जमीन पे जब पॉइंट मार्क करेंगे तो वो जो प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज सेंटरिंग. इसके पहले हमने जो देखा दैट इज कॉल्ड एज सेंटरिंग. सो हियर इन द सेंटरिंग आपको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपने जहां पर भी पिन लगाई वो पिन को आपको यू फोर का इस्तेमाल करके आपको नीचे में ट्रांसफर करना है. सो अर्लियर वी हैव सीन दैट व्हेन वी हैव सीन द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो इस प्रकार से आपका ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जहां पर आपने पिन लगाई है, जहां पर आपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पिन लगाई है वो पॉइंट को आपको ग्राउंड पर ट्रांसफर करना है. ये पिन टाचनी लगाया मैंने तो आप मुझे यू फोर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर प्लम बॉब टांगना पड़ेगा और फिर जमीन पे जहाँ पर भी प्लम बॉब का मार्किंग आएगा वहाँ पे मुझे एक खुटी जो है लकड़ी की वो ठोक देनी पड़ेगी. तो ये मेरा पॉइंट ग्राउंड पे मार्क हो जाएगा और उसके ऊपर ही मेरी बराबर टाचनी है, यानी वो मेरा स्टेशन पॉइंट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर है. सो ये जो प्रोसीजर है दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज सेंटरिंग, यानी ग्राउंड पे का जो पॉइंट है उसका मार्किंग ड्राइंग बोर्ड पे करो या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो पिन लगाई उसका मार्किंग ग्राउंड पे करो. दैट प्रोसीजर इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लेन टेबल सर्वे. तो ये हम लोग पहले तो आसानी से कर सकते हैं. अब इसके अंदर हमको ध्यान रखना है कि यदि हमने खेत जैसा लंबा ऐसा खेत है तो जैसा ड्राइंग खेत लंबा होगा तो ड्राइंग बोर्ड आपको ऐसा लंबा रखना पड़ेगा उसको. तो जो हिसाब से आपका लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आपका एरिया है, फील्ड है, उसके हिसाब से आप ड्राइंग बोर्ड को पहले तो ऐसा लंबा किधर रखना है ऐसा डायरेक्शन ये आप पहले तय कर लो.
ऐसा लंबा खेत होगा तो ड्राइंग बोर्ड के आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर बाद में उसके ऊपर एक टाचनी पिन कर लगाओ, और फिर वो पिन को यू फोर्क से आपको नीचे में ट्रांसफर करना है, और वो यू फोर्क से नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट आएगा वहाँ पे पेक ठोक के आपको स्टेशन मार्क करना पड़ेगा। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लेन टेबल सर्वे। अब ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद में यहाँ पे फिर हमको दूसरे स्टेप के लिए जाना पड़ेगा, एंड दैट सेकंड स्टेप इज लेवलिंग। फिर आपको लेवल करना है। अब आपने ड्राइंग बोर्ड तो फिट कर दिया स्टैंड के ऊपर लगा के, फिर आपको इस्तेमाल करना है स्प्रिट लेवल का, देन वी हैव टू यूज द स्प्रिट लेवल। हमने इसके पहले भी देखा है, तो स्प्रिट लेवल में आपका पहले जो ड्राइंग बोर्ड है उसको जैसा अभी ये शॉर्ट एज को पैरेलल आपको स्प्रिट लेवल रखनी पड़ेगी पहले यहाँ पे, और ये स्प्रिट लेवल का बबल जो है वो सेंटर में एक इन देखना पड़ेगा तो आपका ड्राइंग बोर्ड बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से उठा के स्प्रिट लेवल ऐसी रखनी पड़ेगी पैरेलल, लॉन्ग एज को पैरेलल रखनी पड़ेगी, और फिर इसका बबल सेंटर में लाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप प्लेन टेबल को, ड्राइंग बोर्ड को लेवल कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप हमारी प्लेन टेबल सर्वे के अंदर क्या है, लेवलिंग। एकदम सिंपल काम है, इसके लिए आपको ट्राइपॉड का स्टैंड या फिर ट्राइपॉड एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। यदि तिरछा हो गया तो ट्राइपॉड का पैर थोड़ा सा खींच के आपको बराबर करना पड़ेगा, ताकि आपका दोनों भी पोजीशन में स्प्रिट लेवल रखने के बाद में स्प्रिट का बबल सेंटर में रहना चाहिए। तो ये सेकंड हो गए, सेकंड स्टेप हमारी लेवलिंग। उसके बाद में फिर लेवलिंग होने के बाद में फिर थर्ड स्टेप रहेगी हमारी प्लेन टेबल सर्वे के अंदर, और वो है ओरिएंटेशन। थर्ड स्टेप इज ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हमको नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है ड्राइंग शीट के ऊपर। फिर इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सो वी विल यूज थ्रू कंपास। तो थ्रू कंपास का इस्तेमाल करना है, और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जैसा भी आपने ड्राइंग बोर्ड रखा होगा उसके ऊपर आपको थ्रू कंपास रख देना है। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ऐसा ड्राइंग बोर्ड रखा है और इसके ऊपर मैंने थ्रू कंपास ऐसा रख दिया ऐसा। अब उसके अंदर की नीडल जो है वो नीडल ऐसी रहनी चाहिए एक्चुअली, हालांकि ये जो बीच की नीडल है वैसी, लेकिन ये नीडल थोड़ी इधर झुक गई, तो मुझे ये थ्रू कंपास को ऐसे या ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा रोटेट करना पड़ेगा, ताकि मुझे क्या चाहिए कि इधर 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 यदि इधर नॉर्थ है तो जब मैं ये थ्रू कंपास ऐसा रखूँगा ना ऐसा, तो मेरी नीडल बराबर सेंटर में रहेगी बराबर ऐसी, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बराबर सेंटर में रहेगी नॉर्थ की तरफ। तो ये जो थ्रू कंपास है ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख के आपको उसको ऐसा घुमाना है ताकि इसका जो मार्किंग का जो सेंटर है और नीडल का पॉइंट, इधर का सेंटर और इधर का पॉइंट एक लाइन में आ जाए, तो ये थ्रू कंपास आपका नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बराबर ओरिएंट हो जाएगा। फिर उसको एक हाथ से पकड़ करो बॉक्स से और पेंसिल से यहाँ पर एक लाइन खींच लो ऐसी, तो जो लाइन खींचेंगे आप वो लाइन आपके मैप के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करेगी, और यहाँ पे लिख देना है आपको एन। तो ड्राइंग शीट के ऊपर आपको नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है तो आपको तीसरी स्टेप है ओरिएंटेशन, जिसके जरिए थ्रू कंपास का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे वो थ्रू कंपास को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सेट कर सकते, और थ्रू कंपास का बॉक्स जो है उसको पकड़ के बराबर वहाँ पे एक लाइन बना सकते, और दैट लाइन विल इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अवर ड्राइंग शीट। तो आपके ड्राइंग शीट के ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगी आपकी। सो दैट इज द थर्ड स्टेप इन द प्लेन टेबल सर्वे। देन द फोर्थ स्टेप इज रिसेक्शन। अभी रिसेक्शन बोले तो क्या है, रिसेक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एलिडेट का, यानी यहाँ पर फोकसिंग और साइटिंग का काम करना है हमको, यानी एलिडेट यूज करना है हमको, और एलिडेट यूज करके हम लोग फोकस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और फिर उसका ड्राइंग के लिए जो लाइन निकालना है वो लाइन हम लोग निकाल सकते। सो दैट वे वी आर कैरिंग आउट द रिसेक्शन बाय यूजिंग द एलिडेट। मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि आपको एलिडेट का इस्तेमाल करना है। सो यू कैन सी इन द ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मैंने ये हमारा एलिडेट रखा है यहाँ पे। सो दिस इज माई एलिडेट, ये वाला, और उसको इधर में एक ऑब्जेक्टिव वेन है और एक आई वेन है, यानी एक तरफ एक धागा लगा रहता है और एक तरफ फट रहती है, वहाँ से देखना पड़ता अपने को। और आगे में जहाँ पे रेंजिंग रॉड रखा होगा उसको आप देख सकते बराबर। अभी यहाँ पर ये रेंजिंग रॉड है समझ लो, तो मैं यहाँ से रेंजिंग रॉड को देख सकता है। ऐसा करने के बाद में मेरी ये जो स्केल है लंबी वाली, ये स्केल जो डायरेक्शन में रहेगी, तो
तो ये रेंजिंग रॉड के लिए मैं इसके ऊपर एक लाइन मार्क कर सकता है, इसी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो ये जो देखने का काम है, यानी यहाँ से साइटिंग करने का काम है, ये साइटिंग करने का काम हमको फोर्थ स्टेप में करना है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेक्शन, रिसेक्शन और साइटिंग। साइटिंग या रिसेक्शन हमको करना है, तो हम लोग एलिडेट का इस्तेमाल करके दोनों भी उसके एज खोल देंगे और ऑब्जेक्टिव वेन आपकी रेंजिंग रॉड की तरफ रहेगी और आई वेन आपके पास में रहेगी, और ये यहाँ से ये गैप में से ये धागा और सामने का रेंजिंग रॉड, ये एक लाइन में है कि नहीं है, इस प्रकार से आपको एलिडेट जो है उसको घुमाना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो एलिडेट आपका हो गया, फिर एलिडेट को पकड़ के जो लाइन है वो पेंसिल से आपको ड्राइंग शीट के ऊपर बनाना है। सो लाइक वे वी कैन मार्क द लाइन ऑन द ड्राइंग शीट बाय यूजिंग द एलिडेट। तो ये जो फोकसिंग का काम करना है ये हमको यहाँ पे करना है रिसेक्शन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग टॉप व्यू में यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग शीट है वो सपोज ऐसी है, यहाँ पे ये ड्राइंग शीट है और इसके ऊपर मेरा रेंजिंग रॉड यहाँ पे लगाया मैंने और मेरा स्टेशन पॉइंट यहाँ पर है, पिन यहाँ पर लगी वाली है। तो ये पिन को चिपक के मुझे मेरा एलिडेट रखना पड़ेगा ऐसा, और इसकी जो वेन है यहाँ की और इसको यहाँ पर एक वेन है, तो ये गैप में से मैं देखूँगा आँखों से, और इसका बीच का जो क्रॉस हेयर है वो क्रॉस हेयर और यहाँ का रेंजिंग रॉड ये बराबर एक लाइन में है कि नहीं है, इसके हिसाब से ये टाइसनी को चिपका के ये एलिएट को मैं ऐसा घुमाऊंगा इधर उधर। जब ये यहाँ से ये रेंजिंग रॉड बराबर दिख गया तो ये टाइसनी के साथ में पकड़ के अपने को बराबर यहाँ से ऐसी लाइन पेंसिल से मार्क करना है आपके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक लाइन बनेगी जो लाइन इंडिकेट करेगी ये डायरेक्शन को, स्टेशन पॉइंट से लेके तो रेंजिंग रॉड तक का जो डायरेक्शन है उसकी एक लाइन आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग एलिडेट का इस्तेमाल करके हम लोग रिसेक्शन यानी साइटिंग फोकसिंग ये काम कर सकते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो आपने प्लेन टेबल के अंदर यदि बीच में प्लेन टेबल खड़ा कर दिया तो हर एक कॉर्नर को आपको फोकस करना पड़ेगा और एलिडेट को पकड़ के एक लाइन बनानी पड़ेगी, फिर फोकस करना पड़ेगा एलिडेट को इधर और फिर लाइन बनानी पड़ेगी, फिर इधर लाइन बनानी पड़ेगी, फिर चौथे तरफ इधर लाइन बनानी पड़ेगी। तो यदि चार कॉर्नर है तो चारों कॉर्नर को फोकस करके आपको चार लाइनें बनाना है वहाँ पे, और फिर उसके हिसाब से आपका ड्राइंग बनाने के लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। सो इन दिस वे द इन द प्लेन टेबल सर्वे देर आर फोर स्टेप्स आर देयर। पहला है सेंटरिंग, यहाँ पे यू फोर कर प्लम्ब ऑफ यूज़ करेंगे। दूसरा है लेवलिंग, यहाँ पे स्पिरिट लेवल इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है ओरिएंटेशन, यहाँ पे थ्रू कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करेंगे। और चौथा है साइटिंग, यहाँ पे एलिडेट का इस्तेमाल करके अलग अलग लाइंस निकालना है हमको अलग अलग ऑब्जेक्ट को फोकस करके। सो ये प्रोसीजर आपको किसी भी टाइप का प्लेन टेबल करना है सर्वे तो वहाँ पे चारों स्टेप आपको करनी ही पड़ेगी। चौथी स्टेप थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मार्क करना है नक्शे के ऊपर उतने बार आपको रिसेक्शन यानी एलिडेट से फोकसिंग करना पड़ेगा। अब इस प्रकार का प्रोसीजर इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग टाइप के सर्वे कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग के चार अलग अलग मेथड है। सो फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड, फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड। सेकंड मेथड इज इंटरसेक्शन मेथड। देन थर्ड मेथड इज ट्रैवर्सिंग मेथड एंड फोर्थ मेथड इज रिसेक्शन मेथड। तो ये मेथड हम लोग अभी यहां पर देखने वाले आज के लेक्चर में, सो वन बाय वन। सो फर्स्ट सिंपल रेडिएशन मेथड दैट वी विल सी हियर नाउ। अब यहां पे हम लोग रिसेक्शन रेडिएशन मेथड से कैसा करना है तो आप समझ लो कि ये वाला आपका एक बड़ा ऐसा प्लॉट है यहां से लेके यहां तक, और ऐसा प्लॉट है आपका। अब ये प्लॉट आपको गिनना है, तो गिनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में जाके आपको प्लेन टेबल रखना पड़ेगा। अब आपका प्लॉट ऐसा लंबा है तो उसके हिसाब से आप प्लेन टेबल रख सकते हैं यहाँ पे कैसा रखना है। तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे आड़ा ही रखता हूँ प्लेन टेबल ऐसा, तो यहाँ पे मैंने मेरा प्लेन टेबल खेत के अंदर रख दिया यहाँ पे समझ लो। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक टाइसनी फिट करूँगा यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। अब ये टाइसनी का मार्किंग मुझे ग्राउंड पे मार्क करना है तो मैं यू फोर का इस्तेमाल करूँगा और प्लम्ब ऑफ लटक के नीचे में जमीन के ऊपर एक पेक ठोक दूंगा। तो प्लेन टेबल के नीचे जमीन के अंदर एक आपकी स्टेशन पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी पहली स्टेप सेंटरिंग।
फिर आपको स्पिरिट लेवल एक बार यहाँ रखना है और लेवल करना है ड्राइंग बोर्ड को, फिर एक बार इधर रखना है फिर लेवल करना है और ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा लेवल, तो सेकंड स्टेप हो गई आपकी, लेवलिंग हो गया। तीसरी स्टेप में आपको फिर ओरिएंटेशन करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, थ्रू कंपास लूँगा, थ्रू कंपास यहाँ पे रखूँगा और उसको घुमाऊँगा कैसा है कहाँ पे है नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता करके, और जो कंपास के हिसाब से फिर मुझे यहाँ पर एक नाइट लाइन आ जाएगी समझ लो, तो उसको मैं नॉर्थ लिख दूंगा यहाँ पे। यानी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर मेरी एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पर है वो थ्रू कंपास से मार्क हो जाएगी और मैं यहाँ पे नॉर्थ मार्क लिख दूंगा। तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन ओरिएंटेशन की तीसरी स्टेप हो गई हमारी। अब चौथी जो स्टेप कर रहे, चौथे स्टेप के लिए हमको ये चार अलग अलग मेथड इस्तेमाल करना है। तो रेडिएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते, ये रेडिएशन मेथड कॉमन मेथड है। जब भी हम लोग बोलेंगे प्लेन टेबल सर्वे करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज रेडिएशन मेथड। अब कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग अभी। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा मार्क करना है। तो अभी हम लोग स्टेशन हमारा समझ लो एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, और यहाँ से हमारी ऐसी इलेक्ट्रिक की लाइन गई वाली है, तो उसके इलेक्ट्रिक के पोल हमारे ऐसे ऐसे यहाँ पर है, खेत में से लाइन गई वाली है, तो ये इलेक्ट्रिक का पोल गया वाला है इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारा एक यहाँ पर एक कुआ है, वेल है W, और यहाँ पर हमारा एक ट्री है, एक ट्री यहाँ पर भी आपका, एक ट्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक छोटी सी हमारी ऐसी एक समझ लो हम लोग यहाँ पर समझ लेते यहाँ पर या यहाँ ले लेते, ये वेल आ गया इधर आ गया इधर आ गया यहाँ ले लेते हम लोग, यहाँ पे आपके पास में एक छोटी सी रूम बनी है ऐसी आपके खेत में, तो ये आपका एक्चुअल में फील्ड हो गया। एक्चुअल फील्ड के अंदर आपने प्लेन टेबल का ड्राइंग बोर्ड यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे आपका स्टेशन पॉइंट ले लिया। अब आपको इसका पहला तो आप सेंटरिंग कर लिया आपने, लेवलिंग कर लिया, ओरिएंटेशन कर लिया। अब हम लोग रेडिएशन मेथड का इस्तेमाल करके सर्वे कर सकते। तो यहाँ पे आपको और दो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, वो कौन से लगने वाले हैं, पहले तो लगेगा आपको टेप, मेजरिंग टेप, और उसके बाद में लगेगा आपको कैलकुलेटर, उसके बाद में आपको लगेगा पेंसिल, स्केल और इरेजर, ये लगने वाले हैं। और अब मेन रोल आएगा आपका एलिडेट का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मेरा एलिडेट ये पिन को चिपका के रखूँगा मैं, और चिपका के क्या करूँगा मैं, ये ए पॉइंट की तरफ उसको फोकस करूँगा, तो मुझे इधर से देखना पड़ेगा ए पॉइंट की तरफ। तो ये यहाँ से ए पॉइंट को देखने के बाद में ये एलिडेट को चिपका के मेरी एक यहाँ पर ऐसी लाइन, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसी लाइन बन जाएंगी यहाँ पर ए पॉइंट की तरफ जाने वाली, तो पेंसिल से मैं ऐसी लाइन बना लूँगा। और ये जो पिन है, ये पिन से यानी ये मेरा स्टेशन पॉइंट है ओ, ये स्टेशन पॉइंट ए, ओ से लेके ए तक का मुझे लंबाई गिनना है टेप से। सो आई विल मेजर डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस मैंने गिन लिया। अब ओ ए डिस्टेंस आपने गिन लिया और ओ ए डिस्टेंस आप क्या समझ लो आपका 17 मीटर, तो 17 मीटर के हिसाब से आपको एक सूटेबल स्केल लेना है, और 17 मीटर के लिए आपने समझ लो 1.7 सेंटीमीटर ले लिया, तो 1.7 सेंटीमीटर की पॉइंट आपको यहां पर मार्क करना पड़ेगा यहां पे। यानी एक पॉइंट मार्क कर दिया मैंने यहां पे, यहां से 1.7 पे ये वाला, तो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा यहां पर स्मॉल ए, यानी ये वाला पॉइंट यहां पे मार्क हो गया मेरा। फिर मैं ये इसको लगा के एलिडेट रखूंगा और वो एलिडेट बी के तरफ फोकस करूंगा, तो बी के तरफ फोकस करने से मुझे और एक लाइन मिलेगी यहां पे, तो मेरा और एक लाइन मैं निकालूंगा यहां पे, जो लाइन मेरी हो जाएगी बी की तरफ जाने वाली। अब ये बी की तरफ लाने वाली जो लाइन है, फिर यहां से ओ बी, ये ओ बी मैं डिस्टेंस गिनूंगा, आई विल मेजर द डिस्टेंस ओ बी। अब ओ बी डिस्टेंस आ गया सपोज लो मेरा यहां पे 13 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1.3 के ऊपर एक लाइन पॉइंट बनाऊंगा, मार्क करूंगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा मेरा यहां पे, सो दिस विल बी स्मॉल बी। तो ओ ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करके मैंने यहाँ पर छोटी लाइन ओ ए बनाया,
ओबी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करके ओबी लाइन मैंने यहाँ पे बनाया। फिर प्रोसीजर मुझे सी के लिए करना है, तो मैं अभी एलईडी मैं रखूंगा ये पिन को चिपका के और एलईडी से सी पॉइंट को देखूंगा। जब सी पॉइंट को देखूंगा तो मुझे यहाँ से सी पॉइंट की तरफ जाने वाली में जो और एक लाइन ऐसी मिल जाएगी और फिर ओसी डिस्टेंस मैं गिनूंगा। सो आई विल मेजर ओसी। अब ये ओसी डिस्टेंस आ गया मेरा समझ लो 20 मीटर। टेप से मुझे यहाँ से यहाँ तक का गिनना पड़ेगा, तो मैं ये ओसी से यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क करूंगा तो वो पॉइंट मेरा मार्क हो जाएगा यहाँ पे। जो डिस्टेंस आया 20 मीटर उसको स्केल से कन्वर्ट किया मैंने तो वो हो गया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सी। सी पॉइंट होने के बाद में फिर मुझे एलिडेट को चिपका के रखना है ये टाचनी को और उसको डी के तरफ फोकस करना है। तो डी के तरफ फोकस करने से मेरा ये डी के तरफ ऐसी लाइन बन जाएगी आपकी, ये डी के तरफ जाने वाली लाइन बन गई। फिर ये डी से ओडी डिस्टेंस जो है वो मैं मेजर करूंगा। आई विल मेजर डिस्टेंस ओडी। अब ओडी डिस्टेंस समझ लो आ गया हमारा 16 मीटर। तो उसको कन्वर्ट करेंगे स्केल से और वो हो जाएगा समझ लो 1.6। तो हमको फिर ये ओडी लाइन के ऊपर, ये रे के ऊपर 1.6 के ऊपर आपको एक पॉइंट बनाना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल डी। तो आपको क्या हो गया, ए बी सी डी चारों के कॉर्नर के डिस्टेंस हमने गिन लिए और वो डिस्टेंस को स्केल से, सुटेबल स्केल से मार्क करके हमने उसके लाइन के ऊपर वो पॉइंट भी मार्क कर दिए। अब यदि हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं ऐसा, तो जैसा आपका ये फील्ड का शेप है ना वैसा ही शेप आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ये तो अप्रोक्सीमेट बनाया मैंने, लेकिन जैसा शेप यहाँ पर है यानी इसको पैरेलल ये लाइन रहेगी, इसको पैरेलल ये लाइन रहेगी, इसको पैरेलल ये लाइन रहेगी और इसको पैरेलल ये लाइन रहेगी। तो ये आपका जो भी खेत का शेप है वो आपको एक सूटेबल स्केल में ड्राइंग शीट के ऊपर मिल जाएगा। इसके लिए मुझे डिस्टेंस गिनना पड़ा ओए ओबी ओसी ओडी और स्केल लिया मैंने यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अभी स्केल लिया कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 17 मीटर को मैंने 1.7 ले लिया। तो ऐसी सूटेबल स्केल आपको डिसाइड करना है फील्ड में, आपका कितना बड़ा प्लॉट है, कितना बड़ा एरिया है और आपकी ड्राइंग शीट तो फिक्स है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, तो उसके हिसाब से फिर आपको स्केल चूज करना पड़ेगा। और वो स्केल से हम लोग, हमने क्या किया, ये स्टेशन पॉइंट से हर एक पॉइंट की तरफ जाने वाली रेडियल लाइन निकाली, इसलिए उसको रेडिएशन मेथड बोला जाता है। अब ये सिर्फ बाउंड्री मार्क कर दिया मैंने चारों की भी। अब आप एडिशनल ये भी कर सकते हो कि फील्ड में जाके डिस्टेंस ए बी गिन लो, बी सी गिन लो, सी डी गिन लो और ए डी भी गिन लो, तो ये भी चेक हो जाएगा आपका कि इतना ही स्केल को कन्वर्ट करने के बाद में इतना मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा करके, यानी फील्ड में कितना डिस्टेंस है और एक्चुअल मैप में कितना आया वो भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे में। अब इसके साथ में हमने ऐसा यदि कर लिया तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको अदर ऑब्जेक्ट करने हैं। जैसा अभी मुझे ये कुआ मार्क करना है तो मैं कुएं के एज के ऊपर मैं यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड रख लूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर, और फिर मैं क्या करूँगा एलिडेट को फोकस करूँगा ये कुएं की तरफ, तो मुझे ये कुएं की तरफ जाने वाली एक लाइन और मिल जाएगी ऐसी रेडिएशन लाइन, दिस इज अनदर रेडिएशन लाइन। फिर ओ से लेके कुएं तक का मैं टेप से डिस्टेंस गिनूंगा, वो डिस्टेंस को स्केल से कन्वर्ट करूँगा और वो कन्वर्ट करने वाले को जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस में मैं पॉइंट मार्क करूँगा, तो मुझे यहाँ पे कुएं का लोकेशन मिल जाएगा मैप के अंदर, ड्राइंग के अंदर, तो ये कुएं का मार्क हो गया। उसी प्रकार से ये वाला पेड़ आ गया आपको, इसको मार्क करना है तो फिर आपको क्या करना है, ये पिन को पकड़ के एलिडेट फोकस करना है ये ट्री के तरफ और ये एक रेड रेडियल लाइन निकाल लेना है। अब ये यहाँ से ट्री का जो डिस्टेंस है T1, ट्री डिस्टेंस गिन लो और वो डिस्टेंस को सुटेबल स्केल से कन्वर्ट, स्केल एक ही, हर बार एक ही रखना है स्केल हर अलग अलग चेंज नहीं करना है, और वो लाइन के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दो तो वो आपका आ जाए, आपका ट्री हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ट्री भी मार्क हो जाएगा आपके नक्शे में। फिर सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है, ये बिल्डिंग को फोकस करना है, तो बिल्डिंग के देखो 3 कॉर्नर है, तो तीनों कॉर्नर के लिए आप ऐसे रेडियल लाइन निकाल लो, यानी एक रेडियल लाइन एक कॉर्नर के लिए, दूसरी लाइन दूसरे के लिए और तीसरी लाइन तीसरे के लिए,
अब तीनों लाइन के लिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिनना है और वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो ये जब आप मार्क करेंगे तो ये बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे ऐसी बराबर। तो ये बिल्डिंग छोटे स्केल में आपके ड्राइंग पे बन गई बराबर। इसी प्रकार से यदि दूसरा ट्री मार्क करना है तो ये ट्री को फोकस करके एक रेडियल लाइन बनेंगी, इसका डिस्टेंस गिन लो ट्री का टी टू का और ये डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लो, तो आपको यहाँ पर फिर से एक ट्री भी मार्क हो जाएगा। इसी प्रकार से ये ट्री को भी आप फोकस कर सकते हो और उसका ट्री यहाँ पे बन जाएगा आपका। तो ये ट्री को फोकस किया मैंने रेडियल एलिडेट से और डिस्टेंस गिना मैंने टेप से और टेप करके उतना डिस्टेंस मार्क कर दिया, तो मेरा ट्री का लोकेशन भी यहाँ पर आ गया बराबर ये वाला। तो मैंने तीनों भी ट्री मार्क कर दिए, कुआ मार्क कर दिया, बिल्डिंग मार्क कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक की लाइन मार्क करना है, तो इलेक्ट्रिक की लाइन का जो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मुझे फोकस करना पड़ेगा। तो मैं रेडियल एलिडेट से मैं उसको भी फोकस करूँगा ये पॉइंट को, और इतना डिस्टेंस मेजर करके उसको मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगा ये लाइन के ऊपर, तो वो पॉइंट आ जाएगा मेरा ये वाला। इसी प्रकार से ये पॉइंट को फोकस करूंगा मैं, तो यहाँ पर एलिडेट से फोकस करने के बाद में ये लाइन आ जाएगी और इतना डिस्टेंस गिन के आपको मार्क करना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आप यहाँ पर ऐसी एक इलेक्ट्रिक की लाइन भी बना सकते ड्राइंग शीट के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिक की लाइन भी बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर एकदम सिंपल काम है कि सेंटर पॉइंट से हर एक स्टेशन का डिस्टेंस गिन लो, उसको सूटेबल स्केल में कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट के ऊपर जो आपने रेडिएशन की लाइन की बनाई, ये रेडियल लाइन बनाई, ये लाइन हम कैसे बना रहे, एलिडेट का इस्तेमाल करके, और ये लाइन के ऊपर उतना डिस्टेंस मार्क कर दो तो वो पॉइंट लोकेट हो जाता हमारा ड्राइंग शीट के ऊपर। और इस प्रकार से ये वाले पूरे फील्ड का मैप आपने यहाँ पर बना लिया। तो ये सेंटर स्टेशन से काफ़ी सारी लाइनें ऐसी हर एक तरफ आपने रेडियल लाइन बनाई और रेडियल डिस्टेंस गिना आपने यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर हर बार। सो देयरफॉर दिस मेथड इज नेम्ड एज रेडिएशन मेथड। तो ये सबसे सिंपल सबसे कॉमन मेथड है प्लेन टेबल सर्वे में इस्तेमाल होने वाली, और हमेशा जनरली हमको रेडिएशन मेथड से ही हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है, सो दैट वी हैव टू यूटिलाइज। अब ये जो रेडिएशन मेथड है, ये रेडिएशन मेथड का हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये इस प्रकार का समझ लो हमारा एक स्टेशन है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड खड़ा कर दिया मैंने, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। अब ये बीच में मैंने यहाँ पर पी पॉइंट ले लिया और पी पॉइंट के ऊपर मैंने मेरा ये ड्राइंग बोर्ड सेट कर दिया। तो पहला मेरा काम क्या है, सेंटरिंग, पहले हो गया सेंटरिंग, फिर ये पॉइंट पी मार्क हो गया यहाँ पर, यहाँ पर मैंने टाचनी लगा दिया एक, फिर टाचनी को लगा के फिर मैंने एलिडेट को पकड़ा, तो एलिडेट को फोकस करने के लिए मुझे पहले रेंजिंग रॉड ए पे रखना पड़ेगा और एलिडेट से फोकस करके मैं एक लाइन बनाऊंगा यहाँ पे, तो मेरी एक लाइन यहाँ पर बन जाएंगी ये रेडियल लाइन ये वाली। ये लाइन के ऊपर ये डिस्टेंस गिन के मैं मार्क कर दूंगा तो एक पॉइंट बन जाएगा मेरा यहाँ पर। इसी प्रकार से इधर भी रेडियल लाइन से मैं ये बी को फोकस करूंगा, इधर मैं इसको फोकस करूंगा, ये इस पर मैं इधर फोकस करूंगा, यहाँ पर मैं इधर फोकस करूंगा, यहाँ पर मैं ये पॉइंट को फोकस करूंगा क्यू पॉइंट को। तो जैसा भी करेंगे आप, सब तरफ आपको रेडियल लाइन निकालना है और रेडियल डिस्टेंस उसका गिनना है और वो गिन के आप ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपका जो भी फील्ड है ना उसके हिसाब से आपका तुरंत जो भी मैप है वो मैप आप यहाँ पर बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ से ए ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ से बी, ये यहाँ से सी और ये यहाँ से क्यू ऐसा। तो जैसा आपका फील्ड है वैसा ही मैप यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से हम लोग रेडिएशन मेथड का इस्तेमाल करके सर्वे कर सकते हैं प्लेन टेबल से। ये सबसे आसान है, कोई भी प्लॉट को गिनना है, कोई भी खेत को गिनना है तो सबसे अच्छा है वो प्लॉट के अंदर जाके सेंटर में प्लेन टेबल रख लो। जैसा लंबा खेत होगा तो लंबा ड्राइंग बोर्ड उधर रखो, सेंटर पॉइंट पे पिन मार्क करो, पेक ठोक दो उसकी और एलिडेट से बायसेक्शन से पूरे लाइन्स की रेडियल लाइन बना लो, हर एक रेडियल लाइन का डिस्टेंस गिनो, उतना डिस्टेंस मार्क करो, तो आपका नक्शा तुरंत बन जाएगा। तो प्लेन टेबल सर्वे से एकदम आसानी से हमारा ड्राइंग बोर्ड ड्राइंग शीट वहीं के वहीं पे फील्ड में तैयार हो जाती है। तो ये हो गया आपका पहली मेथड, दैट इज रेडिएशन मेथड।
अब ये जो रेडिएशन मेथड है, ये रेडिएशन मेथड में हमको अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, उसके लिए अलग अलग हम लोग सिचुएशन के लिए कर सकते हैं हम लोग सर्वे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये दूसरा एग्जांपल है रेडिएशन मेथड का। तो मैंने यहाँ पर मेरा जो ड्राइंग बोर्ड है वो यहाँ पे लगाया और मेरा स्टेशन पॉइंट है यहाँ पर ओ। अब मुझे ये बिल्डिंग मार्क करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये ए पॉइंट को यहाँ से फोकस करूँगा। तो फोकस करने से मेरे पास में ये वाली एक रे बन जाएगा मेरा, ये रेडियल लाइन बन जाएगी। ये एलिडेट का इस्तेमाल करके बनाया मैंने। फिर वैसे ही इसको भी फोकस करो तो ये लाइन बन जाएगी मेरी। फिर मुझे टेप लेके जाना पड़ेगा और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस टेप से गिनना पड़ेगा। जो भी डिस्टेंस आ गया, फॉर एग्जांपल वो आ गया 18 मीटर, तो 18 मीटर को सूटेबल स्केल लेके यहाँ से 1.8 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और उसके बाद इसका डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करेंगे। तो आपको एक बिल्डिंग की जो साइड है सामने की, फ्रंट साइड, वो यहाँ पर मिल जाएगी। इस प्रकार से फिर आप ये बिल्डिंग का मेजरमेंट ले लो और बिल्डिंग का मेजरमेंट लग के बिल्डिंग का जो शेप होगा वो यहाँ पर बना दो। उसी प्रकार से जैसा मैंने ट्री को बताया, ट्री को मार्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये टाचनी को चिपका के एलिडेट रखो, एलिडेट को फोकस करो ट्री के तरफ और एक लाइन निकाल लो। तो आपके पास में एक लाइन तैयार हो जाएगी यहाँ पे ऐसी। अब यहाँ से लेके डिस्टेंस गिन लो ट्री का और वो डिस्टेंस को कन्वर्ट करके मार्क कर दो यहाँ पे। तो आपको ये जो जी पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा जी पॉइंट, हो जाएगा ट्री, यहाँ पे आ गया आपका। तो इस प्रकार से रेडिएशन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग एकदम आसान मेथड है। यहाँ पे हमको अभी जैसा एकाधिक रोड गया, ऐसा गोल गया रोड, ये रोड ऐसा सर्कुलर में गया है, इसको भी नक्शे में बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पे सबसे आसान है कि ये रोड के ऊपर आपको दो तीन ऐसे अलग अलग पॉइंट ले लेने पड़ेंगे अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर। जैसा मैंने यहाँ पे 20-20 मीटर पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट ले लिया। फिर हर एक पॉइंट को यहाँ से फोकस करो और हर एक के लिए ये लाइन निकालो, रिसेक्शन लाइन। सो दिस इज रिसेक्शन लाइन फॉर एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट को रिसेक्शन लाइन के लिए अपन ने निकाला, यानी एलिडेट को फोकस करके आपको ये लाइन निकालनी पड़ेगी सेंटर पॉइंट पे से। अब ये लाइन बन गई तो ओ से लेके बी का डिस्टेंस गिनो टेप से और वो टेप से गिन के उतना पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दो। फिर सी का गिनो, तो हर एक जगह पे आपको डिस्टेंस मार्क करके पॉइंट गिनने पड़ेंगे। तो ऐसा करके आपके पास पॉइंट आ जाएंगे और ये कर रोड है ना, ये ऐसा आपका आ जाएगा ड्राइंग शीट में। तो कर रोड के लिए आपको ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेना है और उसको फोकस करके रेडियल लाइन लेके उसका डिस्टेंस गिन के यहाँ पे मार्क हो जाएगा। तो आप ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर प्लॉट कर सकते हो वहीं के वहीं पर। तो जो भी आपने स्केल लिया ना, जैसा 10 मीटर इज इक्वल टू 1 लिया आपने, तो वो स्केल से आपका यहाँ पर मैप तैयार हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड शीट के ऊपर। तो ये ड्राइंग शीट के ऊपर आपको रेडियल मेथड से हम लोग इस प्रकार से रेडियल रेज निकाल सकते और जो डिस्टेंस है एक्चुअल उसको रिप्रेजेंट करके स्केल से कम करके उसको पॉइंट को लोकेट कर सकते ड्राइंग शीट के ऊपर। और ये रिपीटेड जितने ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, सब ऑब्जेक्ट को आप ड्राइंग शीट के ऊपर, मैप के ऊपर मार्क कर सकते हो। सो दिस इज सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग एंड इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज। अब हमारा ये रेडिएशन मेथड तो हो गया, इससे तो हम लोग अभी किसी का भी प्लॉट, कोई भी खेत का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन प्लेन टेबल के लिए कंडीशन है कि क्या है, कि यदि खेत बड़ा है, समझ लो 10 एकड़ का खेत है, तो उसके सारे जो कॉर्नर्स है ना वो दिखने चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे उसको फोकस करके उसकी डिस्टेंस भी गिनना है। अब डिस्टेंस गिनने के लिए भी आपको मेजर करते लाना पड़ेगा, रेंजिंग करना पड़ेगा टेप से और फिर डिस्टेंस भी गिनना पड़ेगा एक्यूरेट। तो इसलिए यदि बड़ा एरिया है तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस गिनना आसान नहीं रहता। तो छोटा प्लॉट, छोटा खेत, उसमें रेडिएशन मेथड से सर्वे करके उसका ड्राइंग प्लान बनाना ये आसान है हमारे लिए, मैप बनाना। लेकिन यदि एरिया बड़ा है तो फिर हमको दूसरी मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे का खेत गिनना है हमको और उसने बोला कि मेरे खेत के अंदर आना नहीं है, यानी रेडिएशन मेथड के लिए अपन खेत के बीच में तो अपन प्लेन टेबल रख ही नहीं सकते, क्योंकि रेडिएशन मेथड में कंपलसरी यही है कि अपने पहले खेत के अंदर बीच में सेंटर में प्लेन टेबल रखना पड़ता।
जब वो खेत के अंदर आने ही नहीं दे रहा तो उसके खेत का एरिया भी हम लोग गिन नहीं सकते। तो जब इस प्रकार से इनएक्सेसिबल एरिया है जिसका अपने को एरिया निकालना है या शेप प्लॉट करना है, ऐसे जगह पे आपको बाहर के बाहर रह के ही आपको ड्राइंग बनाना है उस एरिया का, तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पर दूसरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड दैट अनदर मेथड, दैट इज मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मेथड ऑफ इंटरसेक्शन हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मेथड ऑफ इंटरसेक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग स्टेशन पे हम लोग प्लेन टेबल रखने वाले हैं, तो मैं डिस्टेंस गिनूंगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, फिर पी स्टेशन पर से प्लेन टेबल रख के ए को एक रेडियल बनाऊंगा, एक बी को रेडियल लाइन बनाऊंगा, हर एक की रेडियल लाइन में बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा सिर्फ, डिस्टेंस नहीं गिनूंगा यहां पे मैं। तो एक जगह पे रख के मैंने रेडिएशन की लाइंस बना ली पूरी प्लेन टेबल के ऊपर, फिर उस प्लेन टेबल को उठा के दूसरे स्टेशन पे रखो, और दूसरे स्टेशन पे फिर से पॉइंट मार्क करने के बाद में फिर से वहां से भी रेडियल लाइन बनाओ। तो एक बार तो यहां से जब आपने रेडियल लाइन बनी थी तो आपके पास में क्या हो जाएगा कि ये जो रेडियल लाइन्स है वो यहाँ पर पहले आ जाएंगे। ऐसी कौन सी, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक इधर की आ गई, एक इधर की आ गई और एक इधर की आ गई। अब ये जो लाइन है, पांच लाइन, एक दो तीन चार पांच, ये हरी वाली पांच लाइन मैंने पी पॉइंट के ऊपर टेबल रख के बनाई वाली है। अब ये टेबल को उठा के मैं दूसरे स्टेशन पर रख रहा हूँ क्यू पॉइंट पे, फिर क्यू पॉइंट से और मैं बायसेक्शन कर रहा हूँ, तो क्यू पॉइंट से मेरी ये जो लाइन बन रही है वो लाइन मेरी यहाँ से ये ऐसी बन रही है। अब ये लाइन पुराने वाले लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट हो गई ना, वो मेरा हो जाएगा ए पॉइंट। फिर मैं ये ई के तरफ लाइन बनाऊंगा, तो यहाँ से ई के तरफ लाइन बनेगी ये वाली। अब ये वाली लाइन पुराने लाइन को जहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पे मिल गई, तो वो मेरा हो गया ई पॉइंट, यानी ए और ई मेरे फिक्स हो गए। फिर मैं यहाँ से डी के तरफ लाइन बनाऊंगा, तो ये लाइन आ गई डी की मेरी, तो ये डी की लाइन, ये हरे वाली लाइन को जहाँ पर मिल गई इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हो गया मेरा डी पॉइंट इंटरसेक्शन हरी लाइन और पीले लाइन का। फिर यहाँ से तीसरे पॉइंट के लिए करूँगा मैं, तो ये दूसरी लाइन बनाऊँगा यहाँ पर, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वो वाला मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तो वो मेरा सी पॉइंट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से मैं यहाँ से बी को फोकस करूँगा, तो मेरी ये लाइन बनेगी। अब पहले की लाइन बी वाली, ये वाली हरी वाली, तो ये पहले से बनाई वाली लाइन और अभी ये बनाने वाली, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बी हो गया मेरा। तो मेरा ये जो शेप है, ये शेप का मुझे डिस्टेंस मैंने गिने बिना ही मैंने उसको निकाल लिया यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन मेथड में आपको प्लेन टेबल सर्वे का प्रोसीजर दो जगह से करना पड़ता, दो स्टेशन से करना पड़ता। एक बार एक स्टेशन पे रख के आपके पूरे रेडियल लाइंस के रेडिएशन की लाइन निकाल लो आप, फिर प्लेन टेबल को दूसरे स्टेशन पे लेके जा और फिर दूसरे तरफ दूसरे पॉइंट के ऊपर फिर से रे निकालो। तो पहला रे और बात का रे, जो दोनों इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहे बराबर, वो पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं और उससे आप मैप बना सकते हैं। तो यहां पे डिस्टेंस आपको गिनने का काम नहीं पड़ता है। सो फॉर दिस, ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हम लोग इंटरसेक्शन मेथड में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे जहां पर इनएक्सेसिबल एरिया है वहां पे हम लोग इंटरसेक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये बिल्डिंग को बाहर से गिन के मुझे गिनना है, तो बिल्डिंग के बाहर मैं क्या करूंगा, एक जगह पे मेरा पहले प्लेन टेबल रखूंगा यहां पर, तो आई विल प्लेस प्लेन टेबल यहाँ पर, और मेरा स्टेशन पॉइंट है O1। फिर O1 से मैंने ये बिल्डिंग को फोकस किया और एक लाइन बना ली मैंने ऐसी, फिर ये OB को फोकस करके दूसरी लाइन बना ली। ये एलिडेट का इस्तेमाल करके मैं ये दोनों भी लाइन बनाऊंगा ऐसी, ये ड्राइंग शीट है मेरी। और एक लाइन बनाऊंगा मैं जहाँ पे मुझे दूसरा स्टेशन रखने के लिए मुझे जगह चाहिए, ऐसा ये वाली लाइन, ये एडिशनल लाइन है एक। अब ये ड्राइंग शीट तैयार हो गई, इसके ऊपर मैंने नॉट डायरेक्शन ही मार्क कर दिया था इसे ऊपर की तरफ, भाई समझ लो ये जरूरी है लेकिन नॉट डायरेक्शन मार्क करना। अब ये एक जगह का प्रोसीजर हो गया मेरा, यानी ये बिल्डिंग का ड्राइंग बनाने के लिए मैंने बिल्डिंग के दोनों कॉर्नर को फोकस करके बनाया और एक अलग स्टेशन पॉइंट के लिए एक और एक लाइन बना ली, ऐसे तीन रे मैंने यहाँ पर बना लिए। उसके लिए O1 मेरा सेंटर था और ये वाली मेरी नॉट डायरेक्शन थी। अब आपको क्या करना है कि ये ड्राइंग शीट के ऊपर मेजर डिस्टेंस के ऊपर, समझो यहाँ से आपने गिन लिया 8 सेंटीमीटर,
तो यहां पर फील्ड में आपको 8 मीटर के ऊपर ये ड्राइंग बोर्ड को आगे सरकाना इधर ऐसा, तो मैं मेरा ड्राइंग बोर्ड लेके यहां पे आ जाऊंगा 8 मीटर के ऊपर, और यहां आने के बाद में मैं क्या करूंगा कि यहां पे मेरा ड्राइंग बोर्ड खड़ा रखूंगा और उसको मैं ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन जो थी मार्क थी पहले से यहां पे, उसको थ्रू कंपास लगा के यहां पर भी मैं उसको बराबर मैच करूंगा नॉर्थ के साथ में। तो मेरा ये ड्राइंग बोर्ड नॉर्थ की तरफ ओरिएंट है, यहां पर भी वो नॉर्थ की तरफ मैं ओरिएंट बराबर कर लूंगा। लेकिन यहां पे करने के बाद में मुझे क्या करना है, ये जो डिस्टेंस मैंने O2 मार्क किया था, O2 डिस्टेंस का पॉइंट मुझे जमीन के ऊपर ट्रांसफर कर देना पड़ेगा नीचे, जो कि मेरा यहां से 8 मीटर पे है। अब यहां पे मैंने ड्राइंग बोर्ड रखा, तो ये ड्राइंग बोर्ड पे मेरी सिचुएशन क्या है, देखो आप कि आपके पास में ऑलरेडी ये 3 लाइनें बनने वाली है। तो कौन सी लाइन बनने वाली है आपके पास में, एक लाइन ये बनने वाली है, एक लाइन ये वाली बनने वाली है और एक लाइन ये वाली बनी है। अब ये लाइन पे तो आप खड़े हैं यहाँ पे O2 पे, अब आपको प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फिर से रेडिएशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अब O2 पे से फोकस करके मैं एक लाइन ये बनाऊंगा A की तरफ जाने वाली। तो ये A की तरफ जाने वाली लाइन पहले वाले A की तरफ जाने वाली लाइन को यहाँ पर मिल गई, तो ये मेरा पॉइंट लोकेट हो गया A वाला। उसी प्रकार से पहले की B की लाइन मेरी ये है और अब मैंने यहाँ से B की लाइन कौन सी बनाया, उसके आगे वाली ये वाली, तो ये दोनों पॉइंट पे जहाँ पर मिल गए वो जो पॉइंट है मेरी ये वाला, ये हो गया मेरा B पॉइंट। तो इस प्रकार से एक बार O1 पे मैंने प्लेन टेबल रखा, सारे ऑब्जेक्ट को मैंने लाइन मार्क कर लिया, फिर उसको शिफ्ट करके दूसरे स्टेशन पे रखा और फिर और मैंने रेडिएशन की लाइन बनाई और पहली लाइन जो लाइन से क्रॉस हो रही थी ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट किए, तो मेरा A पॉइंट यहाँ पे आ गया, B पॉइंट यहाँ पे आ गया और फिर आप यहाँ पर ये बिल्डिंग बना सकते हो। उसकी बिल्डिंग के डायमेंशन भी आपको गिनने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर हमको एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है, जब हम लोग ये ड्राइंग बोर्ड यहाँ से यहाँ रखते तो यहाँ पे आपको O2 पॉइंट से पीछे में बैक साइड में फोकस करना पड़ेगा O1 पे रेंजिंग रॉड रख के, ताकि ये पहले वाले लाइन को ये वाली लाइन आपकी पैरेलल रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक साइटिंग। तो हमको बैक साइटिंग करना पड़ेगा और साथ साथ में ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो भी यहां पे मैच करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। तो इंटरसेक्शन मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको एक स्टेशन पे जब ड्राइंग बोर्ड रख लिया तो यहां तो आप आसानी से फटाफट सभी लाइन बना सकते हर एक ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। जब ये ड्राइंग बोर्ड आप दूसरे जगह पे शिफ्ट करते तो सबसे पहले ये ड्राइंग बोर्ड यहां पर सेट करने के लिए आपको बैक साइड के ऊपर फोकस करके ये पुरानी लाइन ये पॉइंट के साथ में मैच होनी चाहिए और एट ए टाइम नॉर्थ डायरेक्शन भी मैच होनी चाहिए आपकी बराबर, तब जाके आपका करेक्ट ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे ड्राइंग शीट पर मिलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ पे फर्क आ जाएगा उसके अंदर थोड़ा सा। सो हियर व्हेन वी सेट द इंस्ट्रूमेंट एट द सेकंड स्टेशन बैक साइटिंग एंड ओरिएंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द एक्यूरेट मैप। तो इस प्रकार से रेडियल लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करके हम लोग जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। सो दैट इज अबाउट इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो ये हो गई हमारी सेकंड मेथड जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो खेत है खेत के अंदर जाना ही नहीं है, खेत के बाहर से ही आपने सर्वे कर लिया, देखो यहाँ पे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन मेथड। देन देर इज थर्ड मेथड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग फॉर द ट्रैवर्सिंग। तो ये जो थर्ड मेथड है ये हमको किसी समझ लो एक बड़ा बिल्डिंग का एरिया है और बिल्डिंग को लोकेट करना है, तो बिल्डिंग के चारों बाजू में हम लोग ट्रैवर्सिंग कर सकते। अब ये ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमने पहला तरीका देखा कि हम लोग कंपास ट्रैवर्स कर सकते, दूसरा तरीका हमने देखा कि थियोडोलाइट ट्रैवर्स कर सकते, पिछले यूनिट में देखा हमने। कि इसके अलावा इससे भी आसान है कि हम लोग प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। तो प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग से हम लोग का फास्ट में आपका नक्शा बन जाएगा बराबर बिल्डिंग का,
तो इस प्रकार से हमको यदि करना है तो समझ लो यहाँ पर आपकी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को लोकेट करने के लिए पहले आपको ट्रैवर्स बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो बिल्डिंग का शेप मुझे निकालना है, ऐसी अलग अलग साइज की समझ लो बिल्डिंग है मेरी, ऐसी ये ऐसी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का मुझे नक्शा बनाना है। तो मैंने उसके बाजू में क्या कर लिया, एक ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट ले लिए। तो मुझे ए बी सी डी ई ऐसा ट्रैवर्स मेरा बन गया। अब हर जगह में मुझे प्लेन टेबल रखना है। अब मैं डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी डी ये सब मुझे गिनना पड़ेगा। सो आई हैव टू मेजर द डिस्टेंस फर्स्ट। सो डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन पॉइंट्स, और इसी के अलावा अपने को ये बिल्डिंग के डायमेंशन भी लगेंगे। सो आई हैव टू मेजर द डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग ऑल्सो, दोनों चीजें गिननी पड़ेगी। अब अपन लोग ये डिस्टेंस और डायमेंशन गिनने के बाद में प्लेन टेबल सर्वे को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्लेन टेबल आपका आ जाएगा स्टेशन ए पे, यहाँ पे रखेंगे आप, ये आपका यहाँ पर टाचनी लगा दी आपने और ये हो गया स्टेशन पॉइंट पी। अब ये टाचनी लगाने के बाद में आपको एलिडेट का रिसेक्शन करना है और ई के तरफ देख के ये वाली लाइन बनाना है आपको। तो आपकी ये लाइन बन गई। फिर यहाँ से चाहे तो आप ये बिल्डिंग के जो कॉर्नर है ना, इसको भी लोकेट लाइन बना सकती है इसके ऐसी। अभी मैंने बनाया नहीं, हम लोग अभी पहले सिर्फ ट्रैवर्सिंग देख लेते। और ये बी स्टेशन को देख के मैंने ये वाली लाइन बना लिया। तो मेरे ड्राइंग शीट के ऊपर अभी सिर्फ एक और दो लाइन बन गई। और डिस्टेंस ए बी मैंने गिना है तो मैं बी पॉइंट मार्क कर दूंगा, और ए ही गिना है तो ए बी ई पॉइंट भी मार्क कर दूंगा मैं। तो ये दोनों पॉइंट मार्क हो गए। अब ये ड्राइंग बोर्ड को उठा के मुझे यहाँ रखना पड़ेगा बी पॉइंट पे। अब जब बी पे रखूंगा तो ये जो बी वाला पॉइंट था ना, वो यहाँ पर मैच करना पड़ेगा मुझे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। सेंटरिंग करते समय ये बी पॉइंट के नीचे मेरा स्टेशन आना चाहिए। अब उसके बाद में फिर मुझे पीछे देखना पड़ेगा ए पॉइंट के तरफ, ताकि मेरी ये जो लाइन है ये पैरेलल रहे बराबर इसको। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक साइटिंग। तो मुझे बैक साइडिंग करना पड़ेगा। बैक साइडिंग करने से मेरी ए बी लाइन, ये ए बी एक्चुअल लाइन को पैरेलल हो जाएगी बराबर। यानी मुझे ड्राइंग बोर्ड ऐसा घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि मेरी नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर है वो मार्क रहे बराबर, और लाइन ए बी ड्राइंग शीट पर की और फील्ड पर की ये एक मेक को मैच करना पड़ेगा। तो मेरे पास में अभी ये लाइन का मैचिंग करके ये टेबल का मुझे ओरिएंटेशन मेरा फिक्स हो जाएगा। एक बार ये ओरिएंटेशन फिक्स हो गया तो फिर यहाँ से भी आप रिसेक्शन कर सकते। तो मैं बी पॉइंट से सी पॉइंट को देख के ये वाली लाइन बनाऊंगा। सो आई विल गेट दिस लाइन। पुरानी लाइन मेरी दो बनी वाली थी यहाँ पे। चाहे तो मैं यहाँ से ये भी पॉइंट को देख सकता हूँ, तो और एक लाइन बना सकता हूँ मैं एडिशनल। तो फिर मैंने यहाँ पे ये लाइन का डिस्टेंस भी गिना है, तो मैं पॉइंट भी मार्क कर सकता हूँ उसके ऊपर सी वाला कहाँ पर है। तो फिर यहाँ से उठा के ड्राइंग बोर्ड मुझे यहाँ पे रखना है, सी पे रखना है। तो सी पे रखने के बाद में फिर क्या है, ये बी सी लाइन, ये बी सी लाइन मुझे मैच करना है बराबर यहाँ पे ये वाली लाइन। तो इतनी लाइन मेरे पास पहली है, एक दो तीन लाइन मेरे ड्राइंग शीट के ऊपर बनी वाली है। तो ये बी सी लाइन को मैंने इसके साथ में मैच करके बैक साइडिंग कर लिया। तो बैक साइडिंग करना जरूरी है यहाँ पर भी, बैक साइडिंग एंड ओरिएंटेशन और नॉर्थ डायरेक्शन भी चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा ड्राइंग शीट यहाँ पर सेट हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। फिर यहाँ से डी पॉइंट को फोकस करेंगे, तो डी पॉइंट को फोकस करेंगे तो ये लाइन बन जाएंगे आपके पास में। चाहे तो आप इधर के एडिशनल चेक करने के लिए ए पॉइंट को भी फोकस कर सकते हो, तो ये इतना मार्क बन जाएगा। फिर सिमिलर रिपीट करो, ये ड्राइंग बोर्ड को उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखने के बाद में डी सी लाइन को बैक साइडिंग के साथ में मैच कर लो। ये डी सी के साथ में बैक साइडिंग से मार्क हो गई और नॉर्थ डायरेक्शन भी चेक कर लो, तो ये ड्राइंग बोर्ड आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिक्स होने के बाद में यहाँ पर पहले से ए ई ये और ये लाइन बनी है और ये भी लाइन बनी है। अब यहाँ से ई को फोकस करेंगे तो ये भी लाइन बन जाएगी। फिर आप यहाँ पे आने के बाद में इसको फिर यहाँ पे रखो ई पे, तो ई पे आपको एक बी सी डी ये बनी है, ये भी बनी है, और इसको चेक करना पड़ेगा कि ये बराबर एक्यूरेट आ रहा कि नहीं आ रहा करके ए के पास में। तो ये ए भी आपकी फाइनल हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड हर एक जगह पे बिल्डिंग के बाजू में घुमाएंगे तो जो ट्रैवर्स है वो ट्रैवर्स का ड्राइंग शीट आपके शीट में आ जाएगा। तो ये प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग का फायदा ऐसा है कि जहाँ पे सर्वे कर रहे उसी समय आपका ड्राइंग शीट बन जाती है, आपको अलग से आपको बाद में बनाने का काम नहीं है, वहीं के वहीं पे आपकी फील्ड बन जाती है। अब इसके बीच में यदि आपकी बिल्डिंग भी आ रही तो आप बिल्डिंग को भी पॉइंट्स आपके यदि मार्क कर सकते ना तो वो भी आप मार्क कर सकते हो। तो इसके बीच में आपकी जो भी बिल्डिंग है ना ऐसी बिल्डिंग भी आप आपकी मार्क हो जाएगी। उसके लिए आपको ये सारे डिस्टेंस ये ऐसे रेसे डिस्टेंस आपके गिनने होंगे ना। तो आप मैंने अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना बताया, आप साथ साथ में बिल्डिंग को भी लोकेट करना चालू कर सकते हो तो आपका पूरा बिल्डिंग के बाजू में ट्रैवर्स भी बन जाएगा और बिल्डिंग की ड्राइंग भी बन जाएंगी। और दैट प्रोसीजर वी आर यूजिंग इट इज़ प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। तो यदि किसी खेत का एरिया ज़्यादा है और एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हमको जल्दी दिख नहीं रहा सेंटर में रखने के बाद में प्लेन टेबल को, तो उस खेत में भी हम लोग बाउंड्री बाउंड्री से घूम के भी प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी और कंडीशन है कि आपका जो कॉर्नर है आपके लैंड ग्राउंड के जो स्टेशन पॉइंट है आपके वहाँ पे प्लेन टेबल रखने की जगह बराबर होनी चाहिए। इसीलिए टेरेन एरिया यदि है, जमीन उबड़ खाबड़ है, हिली एरिया में प्लेन टेबल सर्वे आप नहीं कर सकते। और अर्बन एरिया में जहाँ पे प्लेन ग्राउंड है, छोटे छोटे प्लॉट या छोटे छोटे ग्राउंड के खेत को गिनना है आपको और विजिबिलिटी क्लियर है, कोई ट्री वगैरह बीच में ज़्यादा नहीं आ रहा है, ओपन ग्राउंड है और लेवल ग्राउंड है करीब करीब, तो ऐसे ही जगह पे हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। क्योंकि आपको डिस्टेंस गिनने के लिए फोकस करने के लिए ज़्यादा एरिया हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो फॉर ए लिटिल बिट लार्जर एरिया मेजर करने के लिए यदि हर एक स्टेशन के ऊपर हम लोग ड्राइंग बोर्ड रख सकते हैं तो आप ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हो उसका शेप निकालने के लिए। तो जो भी बाउंड्री बाउंड्री से आपको घूमना पड़ेगा हर जगह पे, पीछे के पॉइंट को देख के बैक साइडिंग करना पड़ेगा और नॉर्थ डायरेक्शन को देख के ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन हो गया कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आगे का पॉइंट मार्क करके फोकस कर लो, फोकस करके मार्क कर लो, फिर और वहाँ पे वही रिपीट करो, हर स्टेशन पे वही रिपीट करना है। तो आप ट्रैवर्सिंग से भी लोकेट कर सकते हो पॉइंट को और ड्राइंग शीट पे मैप बना सकते हो। सो दैट इज़ अनदर थर्ड मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। सो इन दिस लेक्चर वी हैव सीन हाउ द प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल इज कैरिड आउट। सो सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन एंड रिसाइटिंग, चार स्टेप्स है हमारे। और उसके लिए अलग अलग मेथड हमने देखा, रेडियल मेथड, रेडिएशन मेथड, फिर इंटरसेक्शन मेथड और ट्रैवर्सिंग मेथड। सो लाइक वे इन फील्ड वॉट एवर इज द यूअर रिक्वायरमेंट, यदि आपका छोटा सा प्लॉट है तो रेडिएशन मेथड से पट से प्लॉट का शेप निकाल लो, थोड़ा उससे बड़ा है और खेत के अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो बाहर से ही आप लोकेट कर सकते हो, इंटरसेक्शन मेथड से कर सकते हो आप। और ज़्यादा बड़ा है तो हर एक स्टेशन के ऊपर प्लेन टेबल रख के आप बाउंड्री बाउंड्री से भी सर्वे करके जा सकते हो, तो ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हो आप। तो वॉट एवर द फील्ड रिक्वायरमेंट इज देयर अकॉर्डिंगली यू कैन कैरी आउट द प्लेन टेबल सर्वे। और वहाँ पे आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सर्वे करते करते ही आपका ड्राइंग शीट का मैप तैयार हो जा रहा है विद द सुटेबल स्केल, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्लेन टेबल सर्वे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेन टेबल सर्वे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।